2022 भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में ही भारी बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी और निसंकोच बनाएगी। जिस बात के लिए पिछले 5 साल से प्रदेश की योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही थी वो आखिरकार पूरी हुई और अपने पिछले किए हुए कामों और नई नीतियों की बदौलत प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि प्रदेश की जनता को योगी का राम राज्य असल मायनों में नजर आया, जिस वजह से आज योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में जीत गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिस कारण योगी की सरकार को फिर से जनता ने सत्ता की गद्दी तक पहुंचा दिया है। राम मंदिर। हिंदुत्व की राजनीति से भाजपा का साथ बहुत पुराना है, इसी वजह से 2019 में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोगों ने एक तरह से बीजेपी के मेजर कामों में गिना, क्योंकि करीब 2 दशकों से अटके हुए राम मंदिर विवाद के मुद्दे को जिस तरह योगी सरकार और केंद्र सरकार ने सुलझाया था वो ये दिखाता है कि अगर कोई गवर्नमेंट चाह ले कि उसे किसी चीज का निपटारा करना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस मुद्दे के साथ लोग ये सोच रहे थे कि चाहे कुछ भी फैसला आए यूपी में दंगे तो होंगे ही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिस कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के राम को उनकी जगह दिलाने के कारण योगी को लोगों ने बिल्कुल अपने करीब पाया, जिस वजह से वो बड़ी आसानी से पूर्वोत्तर में अपना वोट बैंक तैयार कर पाए। पुलिस और कानून व्यवस्था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आजादी के बाद से ही उत्तर प्रदेश की गिनती और पहचान एक असुरक्षित और बीमारू राज्य के रूप में होती रही है, जिसका कारण कुछ और नहीं बल्कि प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन था। आलम ये था कि एक वक्त उत्तर प्रदेश अपराध का गढ़ कहलाता था और ये कमजोर कानून व्यवस्था योगी सरकार के आने से पहले वाली अखिलेश सरकार में भी जारी थी, जिसमें गुंडे तो गुंडे पुलिस ही कानून की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आती थी, जिस वजह से लोग अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाने से ही डरते थे, क्योंकि उसके निपटारे की जगह उन्हें किसी तरह से केस में फंसा कर पुलिस दोनों पार्टी से मोटे पैसे वसूलती थी। लेकिन जैसे ही 2017 में योगी जी वाली बीजेपी सरकार प्रदेश में आई, तभी से क्राइम के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पूरे प्रदेश से माफिया और गुंडा राज को खत्म करने की जिम्मेदारी योगी जी ने खुद अपने कंधों पर ली, जिसका असर आज के समय में देखने को मिल जाता है, क्योंकि कानून और पुलिस व्यवस्था के यूपी मॉडल को आज पूरे देश में सराहा जा रहा है, जिस कारण प्रदेश के लोगों ने वापस से उसी कानून व्यवस्था के लिए बीजेपी को फिर से चुनकर अपना इरादा साफ कर दिया। कोरोना हैंडलिंग। एक तरह से देखा जाए तो योगी सरकार आज फिर से सरकार बनाने में सफल हुई है, तो कहीं ना कहीं कोरोना हैंडलिंग में उनके बेहतरीन काम को प्रदेशवासियों की भरपूर सराहना मिली है, क्योंकि एक तरह से देखें तो पूरे कार्यकाल में योगी सरकार के पास सबसे ज्यादा और मुश्किल काम था तो पिछले 2 साल से कुछ और नहीं सिर्फ कोरोना हैंडलिंग का ही काम था। इसलिए जब पूरे देश में पहली और दूसरी वेव के समय लोगों का मरना शुरू हो गया था, तो उस समय यूपी, जिसकी आबादी करीब एक देश के बराबर है, उसने संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द से जल्द खुद को महाराष्ट्र और दिल्ली होने से बचा लिया, जहां लोगों की मौत बहुत ही बड़ी संख्या में हो रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश में 380 मेट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना की मांग थी, जो कि 25 अप्रैल को 2.5 गुना बढ़कर 840 मेट्रिक टन हो गई, लेकिन योगी सरकार ने हार नहीं मानी। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने भारतीय वायुसेना की मदद से खाली टैंकर लिफ्ट कराए और इसी दौरान 57 ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई और सख्त ऑडिट की वजह से रोजाना 30 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बचाई भी गई। ऑक्सीजन के बाद टेस्टिंग भी कोरोना हैंडलिंग का एक बड़ा मुद्दा रहा। लगातार टेस्टिंग का नतीजा था कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर पर जैसी आशंकाएं जताई जा रही थी, वैसी लहर गंभीर नहीं हो पाई। मुस्लिम वोट। एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या भी चुनाव को बहुत प्रभावित करती है, लेकिन जो मुस्लिम वोट हमेशा से बीजेपी के खिलाफ ही रहता था, उसी खिलाफत की वोटिंग ने इस बार योगी जी को फायदा दे दिया, क्योंकि बिहार की तरह इस बार भी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और मायावती की BSP पार्टी ने जिस तरह से मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ ले जाकर समाजवादी के वोट काटे, उनसे इस चुनाव के दूसरे प्रमुख दावेदार अखिलेश भैया को बड़ा झटका लगा है, जिस वजह से जिन मुसलमानों के वोट को लेकर अखिलेश की समाजवादी सरकार सत्ता में आने के बारे में सोच रही थी, वो एक तरह से योगी और बीजेपी का काम आसान कर गया। डेवलपमेंट। पहले प्रदेश सरकार का बजट 2 लाख करोड़ तक होता था, लेकिन योगी जी के सत्ता में आने के बाद इस बजट को 5 लाख करोड़ तक पहुँच गया है, जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और अच्छे ढंग से प्रगति करेगा। और योगी सरकार का ये दावा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो यूपी के बजट के पैसे प्रदेश की विकास में ही खर्च होंगे, वरना सपा सरकार के वापस सत्ता में आने से वही भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो जाएगा।
बजट के अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस मामले में भी योगी सरकार ने प्रदेश को बहुत कुछ दिया था। जैसे पहली बार प्रदेश में हुए 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम के कारण प्रदेश को एक इंटरनेशनल पहचान मिली। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे हाईवे के कारण भी योगी सरकार को लोगों ने विकास के पथ पर ही पाया था, जो कि आगे उनकी जीत की वजह बनी। इसके अलावा बतौर योगी जी को लोगों ने अखिलेश से ज्यादा पॉपुलर पाया, क्योंकि उनके काम करने के तरीके से बहुत से युवा प्रभावित भी थे। वो जिस तरह से बड़ी बड़ी बातों पर बड़ी आसानी से फैसले लेकर प्रदेश के विकास में लगे हुए थे, वो एक बेहतरीन राजनेता ही कर सकता है। और यही कारण बना कि लोगों ने अपने सबसे पसंदीदा नेता को वापस से सत्ता के गलियारों तक पहुंचा ही दिया। खैर, ये तो अब बीती बात हो गई, लेकिन लोगों को अब योगी जी से उम्मीदें और भी ज्यादा हो गई हैं। इसलिए अगर योगी जी को खुद को केंद्र की राजनीति के लिए तैयार करना है तो यही मौका है जब वो अपनी इस दूसरी जीत को आगे की राजनीति का रास्ता बना सकते हैं। आपको क्या लगता है कि योगी जी की दूसरी पारी पहली पारी से बेहतरीन होगी या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।